ओके सो आज का टॉपिक है कि जीएसटी में ऐसी कुछ रिलीफ दी गई है जिससे आपका हरासमेंट अब से बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। सीबीआईसी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है, अब ये क्या है और ये गाइडलाइंस किसके बारे में वो हम देख लेते हैं। जीएसटी नोटिस अगर आपको मिल जाती है तो डेफिनेटली थोड़ा डर तो लग जाता है, उसमें भी वो नोटिस अगर डिमांड या रिकवरी की होगी तो सेक्शन 73 और 74 में अगर आपको कोई नोटिस जीएसटी की इश्यू हो चुकी है। अब सेक्शन 73 और 74 क्या होता है, अगर आपने कोई मलाफाइड इंटेंशन की वजह से कोई टैक्स इंटरेस्ट या आपकी ड्यूज पेमेंट नहीं की है तो आपको नोटिस इश्यू हो जाती है और आपसे डिमांड की जाती है जीएसटी पेमेंट की, या फिर अगर कोई बोनाफाइड इंटेंशन की वजह से भी आपने ये पेमेंट नहीं किया है तो आपको ये नोटिस इश्यू हो सकती है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का, करेक्ट। अब इस सेक्शन में अगर आपको नोटिस इश्यू हो जाती है तो आपको 3 महीने का टाइम मिलता है विद इन विच आप या तो पेमेंट कर दे जितना आपको डिमांड हुआ है, या फिर आप इस डिमांड ऑर्डर से अग्रीड नहीं है तो इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दिए। तो इसके लिए आपको 3 महीने का टाइम मिल जाता है और 3 महीने तक अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, मतलब ना ही पेमेंट करते हैं ना ही अपील फाइल करते हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब रिकवरी प्रोसीडिंग में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको ये मेरा आर्टिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जहां पे मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन की है। गाइडलाइंस बताने से पहले और गाइडलाइन की यहाँ पे लिंक भी दे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये गाइडलाइन, और मैंने गाइडलाइन अपने आर्टिकल में भी कवर की है, मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने ये गाइडलाइन किससे एप्लीकेबल है सेक्शन 73 और 74 से, उसमें क्या होता है वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पे। ओके, अब रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे होती है। रिकवरी में आपके एडजस्टमेंट अगेंस्ट रिफंड हो जाता है, आपका कोई रिफंड अगर पेंडिंग होगा तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है। डिटेंशन ऑफ गुड्स या कन्वेंस हो सकता है, ऑक्शन ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, आपकी कुछ प्रॉपर्टी और गुड्स के ऑक्शन हो सकते हैं, गार्निशमेंट प्रोसीडिंग हो सकती है, या आपकी बैंक अकाउंट भी अटैच की जाती है, फिर प्रोसिक्यूशन एंड पेनाल्टीज वगैरह, ये प्रोसेस होता है उनका रिकवरी करने का आपसे अगर आपने 3 महीने में कोई एक्शन नहीं ली है तो। और ये रिकवरी प्रोसीजर वो कब स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ 3 मंथ्स ओनली, मतलब आपको जब सेक्शन 73-74 का नोटिस इश्यू हुआ है उसके 3 महीने के बाद ही ये रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन कुछ ऑफिसर्स क्या करते हैं, 3 महीने अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसके पहले ही रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से टैक्स पेयर्स को बहुत ही हरासमेंट होती है। तो ये चीज ना हो, टैक्स पेयर्स को ज्यादा हरासमेंट ना हो और 3 महीने का प्रॉपर टाइम मिल जाए, उसके लिए सीबीआईसी ने गाइडलाइंस इश्यू कर दी है। और अब ये गाइडलाइंस क्या बोलती है ये याद करवाती है। ये गाइडलाइंस ऑफिसर्स के लिए है, जीएसटी ऑफिसर्स के लिए जो इस तरह से एक्शन ले लेते बिफोर कम्प्लीशन ऑफ 3 मंथ्स। अब ये गाइडलाइंस बताती है कि जनरल रूल एक्चुअली क्या है, आपको 3 महीने के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन अगर आप अर्ली रिकवरी करना चाहते हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए, ठीक है। और उसका रीजन क्या हो सकता है, ओनली व्हेन इट इज असेंशियल फॉर द रेवेन्यू प्रोटेक्शन विद द प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई दैट नीड इन राइटिंग, ठीक है। तो अगर आप ये एक्शन लेना चाहते भी है बिफोर 3 मंथ्स आप रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको राइटिंग में रीजन देना होगा और प्रॉपर रीजन देके उसका जस्टिफिकेशन देना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अप्रूवल कौन देगा, ओनली ज्यूरिसडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर, और कमिश्नर कैन अप्रूव द अर्ली रिकवरी आफ्टर एग्जामिनिंग जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर एंड इफ सेटिस्फाइड रिकॉर्ड रिटर्न रीजंस बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस सच एज पोटेंशियल क्लोजर ऑफ द बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मतलब ऐसा कोई रिस्क है रेवेन्यू का तो ऐसे केस में वो आपको अप्रूवल दे सकते हैं कमिश्नर को या ACDC को अप्रूवल दे सकते हैं अर्ली रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए, मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए उसके पहले भी। तो ये गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे आपको दे दी है मेरी आर्टिकल्स में, आप यहाँ से गाइडलाइंस भी रीड कर सकते हैं। इसका मेन पॉइंट आपके लिए यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ है, सेक्शन 78 सेक्शन 79 यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में आप ये सेकेंड पैराग्राफ देख सकते हैं यहाँ का। हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट सम ऑफ द फील्ड फॉर्मेशंस आर इनिशिएटिंग रिकवरी बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर इवन इन द केस वेयर द टैक्सेबल पर्सन हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फॉर द पेमेंट ऑफ सच अमाउंट विद इन अ पीरियड लेस देन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर। Therefore, in order to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law across the field formations, the board, in exercise of its powers conferred by the section 168,
Hereby issues the following instructions to be followed in case where it is necessary in the interest of the revenue to initiate recovery before the period of 3 months from the date of the service of the order. तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि अगर वो रेवेन्यू के इंटरेस्ट में होगा तो ही वे उनको अलाउ करेंगे रिकवरी प्रोसीडिंग बिफोर 3 months. ओके, तो आप ये चीजें पढ़ सकते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है शॉर्ट में कि क्या इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. आप ये पूरी गाइडलाइंस रीड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने ये बताया है यहाँ पे कि आपको द मैटर नीड्स टू बी प्लेस्ड बाय द jurisdictional deputy or assistant commissioner of the central tax before jurisdictional principal commissioner or commissioner of the central tax. Okay, along with the reason or justification for such action. और उसके बाद ये justify करेंगे और उसके records writing में ले लेंगे और फिर 3 महीने के पहले का उनका recovery proceeding approve करेंगे अगर उनको justifiable लगता है तो. और उसके reasons भी यहाँ पे बता दिए हैं कि क्या क्या reason ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे early recovery की नौबत आ सकती है. तो such reasons could include high risk of to revenue involved in waiting till the completion of the 3 month period due to apprehension that the concerned taxable person may close the business operation in a near future or due to possibility of default by the taxable person due to his declining financial conditions or impending insolvency or like initiation of proceeding under insolvency and bankruptcy act. मतलब ऐसा लगता है कि वो अपना business close कर देगा या फिर bankrupt हो जाएगा उसकी financial condition की वजह से वो payment नहीं कर पाएगा अपने dues को. तो ऐसे केस में ही officers को permission मिल सकती है early recovery की. okay, तो ये केस आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि अर्ली रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट ऐसे ही नहीं हो सकती. उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस इश्यू हुई है उसको फॉलो करना होगा. कुछ क्वेरीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते हैं.